नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ सोशल साइंस में हम आज पढ़ेंगे कौशल विकास। कल अपन ने इसी चैप्टर नंबर 15 में स्वदेशी अवधारणा के बारे में पढ़ा था, यानी अपने ही देश के उत्पादों का अधिकतम उपयोग किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कौशल विकास। तो कौशल विकास से हमारा अभिप्राय क्या होता है, कौशल का अर्थ क्या होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी कुशलता आ जाती है जिससे वो कार्य वो आसानी से करने लग जाता है। एक तो सामान्य व्यक्ति होता है जो किसी कार्य के बारे में जानता नहीं है, एक वो दूसरा व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को अच्छे ढंग से करना जानता हो, यानी उस कार्य को करने का उसमें कौशल है। तो इसी से संबंधित अपना चैप्टर है, टॉपिक है अपना कौशल विकास। तो उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन वो होता है श्रम, यानी मेहनत। उत्पादन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है, मेहनत की, यानी मेहनत से ही क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। जब श्रम को इसी मेहनत को, अब केवल मेहनत क्या होती है, एक शारीरिक बल होता है। मेहनत से हम केवल क्या कर सकते, कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को शारीरिक बल का प्रयोग कर सकते हैं हम उसमें। लेकिन शारीरिक बल जो होता है, इसी को हम एक्सप्लेन करते हुए आगे देखते हैं कि जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, यानी शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य अच्छा रह करके और ट्रेनिंग के माध्यम से कोई योग्यता के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाए, कोई ना कोई उसको ऐसा कार्य बता दिया जाए जिसके माध्यम से वो उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे, उस कार्य को अच्छे ढंग से करने लगे, तो प्रदान कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाता है। मानव पूंजी में कैसे, कि व्यक्ति शारीरिक बल तो लगाया जाता है, शारीरिक बल के साथ साथ वो क्या करने लगा है कि अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा उसने एक कौशल प्राप्त कर लिया और उस कौशल से वो कार्य करके पूंजी प्राप्त करता है, इसलिए मानवीय पूंजी इसको कह सकते हैं अपन। अब इसमें आगे देखिए, मानव पूंजी से हमारा तात्पर्य ये होता है उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान, अनुभव युक्त मानवीय संसाधनों से हैं। यानी मानव पूंजी किसको कहेंगे अपन, कि मानव पूंजी वो है जो उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान, अनुभव युक्त मानवीय संसाधनों से, जिसके माध्यम से वो किसी भी प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होता है। कौशल से मानवीय संसाधनों को मानव पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व, कौशल जो है वो मानवीय संसाधनों को मानव पूंजी में परिवर्तित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कौशल से ही श्रम की उत्पादकता क्या होती है, कौशल जो होता है किसी, अब किसी कार्य को हम यदि शारीरिक बल के आधार पर, श्रम के आधार पर करें तो वो हम थकान हो जाती है, लेकिन हम अगर अपना दिमाग लगा करके यदि हमें उसके उस कार्य को करने की योग्यता है, उसमें अपने को कौशल है उस कार्य को करने का, तो हम उस अधिक उस कार्य को अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं कि आज उत्पादकता बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, कौशल का। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को क्या कहा जाता है, कौशल कहा जाता है। ध्यान से पढ़ना है, किसी कार्य को अच्छे ढंग से और संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को ही कौशल कहा जाता है। कौशल से उत्पादकता को बढ़ाकर श्रम के लिए और रोजगार के अवसर, यानी अन्य व्यक्तियों के लिए भी हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आज भारत में लगभग 65-65% जनसंख्या कार्यकारी एज, यानी कार्यकारी आयु में आती है, जो 15 से लेकर के 64 वर्ष जो कार्य करने के लिए तैयार बैठी रहती है। जब जनसंख्या उत्पादक होती है तो देश के लिए, किसी देश की जनसंख्या यदि उस देश के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करे तो उस देश के लिए क्या होता है, हितकारी होता है, उसके लाभदायक होता है उसके लिए। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता एवं जीवन को गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, उसकी उत्पादकता, जो भी कार्य करेगा वो अधिक अच्छे ढंग से कर पाएगा, जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है तथा वो राष्ट्र की आर्थिक आय में भी अपना योगदान प्रदान करता है, राष्ट्र की इनकम को बढ़ाने का कार्य भी करता है। कौशल के महत्व को देखते हुए भारत जैसे विकासशील देश, अब कौशल जो है इसका क्या महत्व है, इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम प्रदान पर ज़्यादा ध्यान देने की और ज़्यादा आवश्यकता है। यानी आबादी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण विकासशील देश है, अभी प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऐसे देश में इस कौशल की आवश्यकता ज़्यादा है, यानी आपके लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में कुशल बनाना ताकि वो रोज़गार की प्राप्ति कर सके, और जब रोज़गार की प्राप्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य करेंगे और कार्य से उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी इससे फायदा होगा। भारत सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन,
प्रारंभ किया गया था सरकार भारत सरकार द्वारा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल यानी प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल बनाना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य था। भारत के युवाओं को एक कुशल कार्य करने वाले व्यक्तियों के रूप में परिवर्तित करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। और ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। देश के आज़ाद होने के बाद ये पहला अवसर था कि कौशल विकास के माध्यम से देश के युवाओं को रोज़गार योग्य बनाने के लिए कोई ऐसा इतना बड़ा महत्वपूर्ण मिशन भी किया लागू होगा। तो ये पहला अवसर था जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में पहला ऐसा अवसर था जब देश के युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें कुशलता प्रदान करके उनको रोज़गार या औद्योगिक विकासों में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आगे आने के लिए उनको प्रोत्साहित करने का। इसमें क्या बताया गया कि युवाओं को रोज़गार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का गठन। अब इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का गठन भी किया ताकि ये इसकी देखरेख में कार्य करेगा। ये भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। ये एक भारत सरकार की ऐसी पहल है जिसमें अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जो युवा है उन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, कुशल बनाया जा रहा है जो किसी कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये एक नई योजना है जिसके तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन को और ज़्यादा समृद्ध मजबूत बनाया है। कौशल विकास को वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी उपायों में से एक उपाय कहा जा सकता है। इसने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जो ये योजना शुरू की गई तो अपनाए गए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जब भारत सरकार चलाती है तो उनमें से एक योजना पर कौशल विकास को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, जनता का कल्याण करने के लिए चलाई गई योजना है। राष्ट्र की सफलता सदैव मानव शक्ति की सफलता पर निर्भर करती है, यानी राष्ट्र की सफलता कब है, या जब उस देश के प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो तो देश अपने आप तरक्की करेगा। कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति को अनेक लाभ और अवसर प्राप्त होंगे। इससे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्नता और सम्मान से युक्त जीवन जीने के लिए जीने में सक्षम होगा। और यही हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई गई कौशल विकास योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, एक अच्छे ढंग से कार्य कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, अपना जीवन संपन्नता और सम्मान से युक्त जीवन जी सके। तो ये अपना चैप्टर नंबर 15 लगभग कंप्लीट है। अपन नेक्स्ट कल दूसरा नेक्स्ट अगला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो उसको आपको ध्यान से पढ़कर आना है। कौशल विकास से संबंधित जो टॉपिक है, ये टॉपिक विशेष रूप से बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो ये अपना आज चैप्टर कंप्लीट होता है।